मनु ये खेड़ा हादी खंडौली आगरा उत्तर प्रदेश से और पेड़ की आप झरका सुन रहे हैं भाई भूरा जी मई लखनपुर राजस्थान से। आइए ये यूट्यूब पर जो वीडियो पहुंचा रहे हैं वही पंडित रोहतास जी दे साउंड सर्विस जलूथर से एक और सुंदर प्रस्तुति आप लोगों के बीच में पहुंच रही है, सुनिएगा। परम आदरणीय मंच पर विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर पधारे हुए जितने भी जिगड़ी के प्रेमी श्रोता मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं माता सती अनुसुईया सती सावित्री ऐसे पतिव्रत धर्म में पलने वाली मात्र शक्ति सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार राम राम साहब। आपके मेले में पहली बार आप लोगों के दर्शन के लिए आया हूं, बड़ा ही नाम सुना है, ऐसा कोई खास गायक नहीं लेकिन कोशिश करूंगा आपके दिल को छूने की। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं, मैं तो उनके चरणों की जो रज होती है उसकी बराबर भी नहीं, लेकिन गौर दीजिए कभी ने कलम को उठाया भैया जी चार लाइनों में लिख दिया, क्या लिख दिया बता दिया है, सुनिए। किए उनके दूजे हाथ में बंधी घड़ी, एक बात पूछूं सूरजी और क्या वो बता दी जाएगी, तुम आंखों से तो अंधे हो घड़ी किस काम प्यारे। सूरदास जी ने जवाब दिया, सुन बेटा का तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूं, पर तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से, की बात छोड़ और ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली। बंधुआ गौर फरमाएंगे, समय कम है और काम ज्यादा। आपके राजस्थान में जो मेड़ता सिटी पड़ती है वहां की एक भक्त थी, दीवानी थी कन्हैया की, मीराबाई। आहा, उस मीरा को राणा ने मरवाने के लाखों प्रयत्न किए लेकिन मीरा ने ऐलान कर दिया, ए राणा तुझे जो करना है कर ले, लेकिन हमारी एक प्रतिज्ञा है और वो प्रतिज्ञा क्या है सुनिए क्या कहने लगी। कि मिटा लो हस्ती निभा लो रंजिश, कि मिटा लो हस्ती और निभा लो रंजिश, पर हम भी प्रतिज्ञा किए हुए हैं। कि मिटा लो हस्ती और निभा लो रंजिश, पर हम भी प्रतिज्ञा किए हुए हैं, और हम पर असर ये विष क्या करेगा, हम प्रेम प्याला पिए हुए हैं, हम पर असर ये कहा मिटाले हस्ती निभाले रंजिश, हस्ती निभाल रंजस, हम भी प्रतिज्ञा किए हुए हैं, अरे हम पर असर ये विष क्या करेगा, हम पर असर ये विष क्या करेगा।
करेगा हम प्रेम प्याला पिए हुए हैं हम पर असर ये विष क्या करेगा। और कहा क्योंकि कहा है जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी। आहा कह दिया मीरा ने क्या मर्यादा धर की है सारे नगर की तेरी नजर की भरदार बोले हो तेरी नजर की भरदार बोले तेरी नजर की भरदार बोले ओ हेरे परकर मिले के जब तार छेड़ा परकर मिले के जब तार छेड़ा कन्हैया कन्हैया हर तार बोले परकर मिले के जब तार छेड़ा। हर सांस में मेरे मोहन मुरारी क्या हर सांस में मेरे मोहन मुरारी अरे जिनके सहारे जिए हुए हैं अरे हर सांस में मेरे मोहन मुरारी अरे जिनके सहारे जिए हुए हैं और हम पर असर ये किस क्या करेगा हम प्रेम प्याला पिए हुए हम पर असर ये आइए अपने ध्यान को प्रसंग की तरफ केंद्रित करेंगे। एक बार कौन महाराज धृतराष्ट्रचंद अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे आहा उनके सामने भीमसेन बैठे हैं। काफी समय हो गया भीमसेन के मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद में अपने ताऊ से कहने लगे ए ताऊ अगर तेरे मन में खोट नहीं होता तो आज ये महाभारत युद्ध नहीं होता इतने योद्धा नहीं मारे जाते तू ही एक कारण है इस सारे महाभारत का। आहा बंधुओं इस तरीके से आज भीमसेन बातें कर रहे हैं कहने लगे ताऊ एक बात बता आज इतने योद्धा मारे गए ये महाभारत का युद्ध हुआ इससे तुझको क्या मिल गया। आहा नाते में ताऊ लगे अरे नाते में ताऊ लगे कहा दो कू दंगो ज्ञान अरे लालच बुरी बलाए है कोई कह गए चतुरा। आहा इस लालच के कारण तुमने ये महाभारत युद्ध करा दिया क्या कह रहे हैं भीम से सुनिए भैया क्या लिख दिया। हो और खोई गजब करी डारे अरे कहां अब मिल गयो कोई कुटुंब गयो और खोई गजब करी डारे अरे तेरे सबरे सुन के तेरे सबरे अरे बेटा जी मैंने इन हाथन पे मारे अरे घट
घट मिले तो घट मिले तो तोल वीर अनमोल कबू ना मरते हो अरे घट मिले तो तोल वीर अनमोल कबू ना मरते अरे घट मिले तो तोल वीर अनमोल कबू ना मरते हेरे सबरे जिंदे रहते तेरे बेटा राजाओ करते हैं सबरे जिंदे रहते तेरे बेटा राजा आइए समय की तरफ इशारा कमेटी का आदेश एक गीत और गीत पर गौर दीजिएगा। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधी और अंधा को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए आहा रास्ते में जब प्यास से व्याकुल हुए श्रवण कुमार ने उस कांवर को एक पेड़ पर लटका दिया। बंधुओं जल भरने के लिए सरोवर में चले गए नदी में चले गए जाकर के जैसे ही तूमी को डुबाया इधर कौन महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए आए हुए थे आहा शब्द भेदी बाण छोड़ दिया जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लगा राम राम की आवाज निकली। महाराज दशरथ पास में पहुंचे आज श्रवण कुमार घायल पड़ा है एक ही विनती की जाओ मेरे माता पिता को जाकर के जल पिला दो। महाराज दशरथ आज वो जल लेकर के अंधी और अंधा के पास में पहुंचे जाकर के निवेदन किया लेकिन वो अंधी और अंधा आज दोनों जवाब दे रहे हैं महाराज दशरथ से क्या कह रहे हैं सुनिए का ख्याल रखिए। बंबई वालों ने एक गीत निकाला सुनिएगा किस तरीके से क्या लिखा है। तुझसे बिछड़ के जिन्ना है जान बहुत शर्मिंदा है लेकिन इधर वो अंधी और अंधा दोनों कहते हैं ए राजा दशरथ सुन हमने एक प्रण किया है प्रतिज्ञा की है क्या कि हमने सही प्रण और कीना है कि हमने सही प्रण और कीना है जा तेरा जल नहीं पीना है हो जा तेरा जल नहीं रुपए का पुरस्कार तीनों कलाकारों के लिए हमारे पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जनुथर वाले दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना दूर दूर तक नाम रोशन किया है। सुनिएगा आप वो अंधी और अंधा कहते ए राजा दशरथ क्या हो और राजा दशरथ अरे इस दुनिया में कोई न अपना वही एक सहारा था इसलिए अब जीने की
आस रही ना अब जीने की आस रही ना, किसके लिए अब जीना है, किसके लिए अब जीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, हो जा तेरा जल। और दूसरी कड़ी कहा, जीने को अब बच्चा ही क्या है, अरे किसके लिए हम जिएंगे। प्यासे ही है, प्यासे ही है, प्यासे ही है, प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जल ना पिएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे तेरे। अब होठों पर प्यास रही ना, अब होठों पे प्यास रही ना, क्यों जलदाता तूने छीना है, जलदाता तूने छीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना है। भैया ऊपर जाने लायक समय नहीं है, जिसको देना होगा कॉपी में लिखवा देगा, क्योंकि कॉपी वालों की व्यवस्था की है हमारी कमेटी ने, तो जाने की आवश्यकता नहीं है। गौर दीजिए तीसरी कड़ी, और लिख दिया क्या, जीवन भर तुझे चैन यहां से, जीवन भर तुझे चैन यहां से, ना जाने के बाद मिले। अरे किस्मत वालों, किस्मत वालों, किस्मत वालों को इस जग में सरवण सी औलाद मिले, किस्मत वालों को इस जग में। और ये बहन जी बछामदी से पधारी हैं, नाम नहीं जानता, 101 रुपए का पुरस्कार दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहा। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे बाबा जी की तरफ से मिल रहा है, बहुत बहुत चरणों में साधुवाद नमन करते हैं कहा। अरे जीवन भर तुझे चैन यहां से, ना जाने के बाद मिले, किस्मत वालों को इस जग में सरवण सी औलाद मिले। समय पूरा होने जा रहा है और गीत को भी विराम देने जा रहा हूं, सुनिए। कलम किसी की दास रही ना, हो कलम किसी की दास रही ना, खोल के लिख दे, खोल के लिख दे, खोल के लिख दे, सीना है, खोल के लिख दे, सीना नहीं।